अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसकी गुत्थी हर गुजरते दिन के साथ और उलझती जा रही है। श्रद्धा के सिर को तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल में श्रद्धा मर्डर केस के तार जुड़े हुए हैं। छानबीन के दौरान गुरुग्राम के जंगलों से पुलिस को अहम सबूत भी मिले हैं। वहीं श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। शहर शहर पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है। वहीं 72 घंटे में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। और इसी बीच श्रद्धा के कुछ दोस्त भी सामने आए हैं, जो बता रहे हैं कि आफताब किस तरह श्रद्धा से रोजाना मारपीट करता था, उस पर जुल्म ढाता था। तो इस वक्त पुलिस के लिए यह बहुत सबसे बड़ी अड़चन है कि किस तरह से वो श्रद्धा कि बॉडी पार्ट्स को तलाशे। पुलिस के पास एक मौका होगा जब नार्को टेस्ट करवाया जाएगा आफताब का, जिससे बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं, बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, कई राज से पर्दा उठ सकता है। लेकिन इस बीच पुलिस को सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम, इसके अलावा मुंबई और साथ ही हिमाचल या फिर उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में भी अब श्रद्धा के मर्डर के तार जुड़े हुए हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार इन इलाकों में छानबीन कर रही है। तो 72 घंटे में आफताब का नार्को टेस्ट भी हो सकता है, यानी शहर शहर पुलिस सबूतों की तलाश करने में लगातार जुटी हुई है। पूरे जोर शोर से दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है और साथ ही श्रद्धा के सर की भी तलाश की जा रही है। आपको ये बता दें कि श्रद्धा के कुछ दोस्त हैं, उनका भी बयान इस बीच सामने आया है और उनके बयान में साफ तौर पर बताया गया कि श्रद्धा से रोजाना मारपीट की गई है। नार्को टेस्ट से खुलेगा श्रद्धा मर्डर केस का राज। डीएनए से सामने आएगी आफताब की हैवानियत। श्रद्धा मर्डर केस की हर थ्योरी में कई थ्योरी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा मर्डर केस के पीछे एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा थ्योरी अब तक सामने आ चुकी है। कुछ आफताब के बयानों से निकली है तो कुछ श्रद्धा के दोस्तों और परिवार वालों ने सामने पेश की है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस उस एक सबूत की तलाश में दिल्ली के मेहरौली के जंगलों की खाक छान रही है, जो आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला सच बोल रहा है या झूठ, इस बात का फैसला अब नार्को टेस्ट से होगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला आफताब अब इस हत्याकांड से जुड़ा एक एक राज उगल देगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए जंगल से बरामद हड्डियों का डीएनए श्रद्धा की फैमिली के डीएनए से मैच करना बेहद जरूरी है। यानी श्रद्धा मर्डर केस में दो अहम कड़ी हैं, एक आफताब का नार्को टेस्ट और दूसरा जंगल से मिली हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट। इस बीच सबूतों और सुरागों की तलाश कर रही पुलिस अब दिल्ली समेत पूरे 5 राज्यों की हद तक जा पहुंची है। आफताब के बयान के बाद पुलिस दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल में सबूतों को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस आफताब के गुरुग्राम में ऑफिस के बगल के जंगल में भी सबूत तलाश रही है। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े यहां भी फेंके होंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस को इस इलाके से एक काले रंग का पॉली बैग मिला है, जिसे पुलिस अपने साथ ले गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम इस वक्त मुंबई में है, क्योंकि श्रद्धा और आफताब के मिलने की कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर कड़ी को जोड़ना चाहती है। कल दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर और उस मकान के मालिक के बयान दर्ज किए जहां आफताब और श्रद्धा लिविंग में रहते थे। लक्ष्मण नाडर का हुआ, दो लोगों का बयान हुआ, एक का हुआ, दो का हुआ, दूसरा कौन था? एक एक लाइन जवाब मत दीजिए। हाउस ओनर का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, आगे बताओ। कुछ और लोगों से पूछताछ के लिए बुलाने वाले, कुछ और लोग पूछताछ के लिए आने वाले हैं। हाँ, मैं भी आगे बुलाएंगे। श्रद्धा मर्डर केस में जहाँ दिल्ली पुलिस शहर शहर सबूत तलाश रही है, वहीं पहली बार दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ बताया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई टीमें
श्रद्धा के सिर की तलाश में लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सिर नहीं मिल पाया है। पुलिस की टीम 24 घंटे इस केस से जुड़े कागजात को तैयार करने के अलावा जो अलग अलग तथ्य इस केस को लेकर सामने आ रहे हैं उनकी जांच कर रही है। टीमें इस हत्याकांड के मकसद का पता करने की कोशिशों में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक केस अभी शुरुआती जांच में है, ऐसे में किसी एक थ्योरी पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लिहाजा दिल्ली पुलिस के बेस्ट अधिकारियों की मदद ली जा रही है और इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की रिमांड में इस वक्त भले ही आफताब है, लेकिन वो हर वक्त अपना बयान बदलकर पुलिस को परेशानी में डाल रहा है। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कह रहा है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए, तो कभी बता रहा है कि 18 से 20 टुकड़े ही किए। वो दिल्ली पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस को कई एंगल से सुलझाने में लगी है। पुलिस के हाथ श्रद्धा के कुछ नए चैट लगे हैं, जिनमें श्रद्धा और उसके दोस्तों के बीच हुई बातचीत है, जिसमें श्रद्धा अपने दोस्तों से आफताब की हरकतों और आदतों के बारे में बात कर रही है। हालांकि श्रद्धा के चैट से ये भी पता चलता है कि वो आफताब से कितना डरी हुई रहती थी। वो आफताब की हैवानियत को अपने दोस्तों तक को ठीक से नहीं बता पाती थी। नाक पर चोट देखकर जब श्रद्धा के एक दोस्त ने पूछा कि उसकी नाक पर ये चोट कैसे लगी, तो श्रद्धा ने फ्रैक्चर का बहाना बना दिया, सीढ़ियों से गिरने की बात कह दी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफताब श्रद्धा के साथ किस तरह मारपीट करता था, उसके बारे में श्रद्धा के पिता ने इंडिया टीवी को जो बताया उसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। श्रद्धा के पिता ने बताया कि आफताब उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करता था कि श्रद्धा को जान बचाने के लिए घर से बाहर भागना पड़ता था। वो मतलब बहुत बुरी तरह पीटता था क्या अंकल, मतलब एकदम वैसा कुछ कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था? वो अभी जहाँ रहते थे वो बाजू वाले बोल रहे कि वो घर से दौड़ के नीचे जाती थी। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी तभी तो वो इतना दौड़ के जा रही है बाहर। अच्छा, मतलब इतना मारता था कि दौड़ के घर के बाहर जाना पड़ता था। आफताब की दरिंदगी को लेकर श्रद्धा के पिता जो कह रहे हैं वो तो बानगी भर है। श्रद्धा के दोस्तों ने जो कुछ बताया उसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तकरीबन 2 साल पहले आई थी वो मेरे पास, उसको बहुत मारा था और उसका पूरा यहाँ से हिस्सा पूरा एकदम नीला हुआ था, तो बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जिस लड़के के साथ में रहती हूँ उसने मुझे बहुत मारा है और ऐसा लग रहा है कि आज तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।